आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ हंसिका सिंह। पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंशा अनुसार सीएम राइस स्कूल खोली जा रही है, जिसमें एक्सीलेंस स्कूलों का चयन किया गया है। लेकिन मात्र रीवा शहर में पीके स्कूल को सीएम राइस स्कूल के लिए चयन करना कहां तक उचित है? पीके स्कूल को सीएम राइस स्कूल में तब्दील करने को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रकट किया गया है। कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मांगू ने कहा कि रीवा में मात्र 3 कन्या स्कूल है, जिसमें से पीके स्कूल को सीएम राइस स्कूल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में सीएम राइस स्कूल के लिए एक्सीलेंस स्कूलों का चयन किया गया है, मात्र रीवा के लिए नियम बदले गए हैं, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए। और शहर में 3 कन्या पाठशाला है, एसके स्कूल, पीके स्कूल, पालनटोला, और रीवा के मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार की ज्यादातर बच्चियां इन्हीं स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करती है। अभी एक सरकार का एक नया सीएम राइज स्कूल बनाने का पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिले चिन्हित किए गए और सभी जिलों में सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। बाकी जिलों में जो सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं वो एक्सीलेंसी स्कूल को पहली प्राथमिकता दी गई है, लेकिन रीवा जिले के अंदर और शहर के अंदर एक्सीलेंसी स्कूल को प्राथमिकता ना देकर पीके पाठशाला को सीएम राइज के लिए चुनाव किया गया है। रीवा की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों, जो हमारी बच्चियां वहां पढ़ती हैं, उनके परिवार की बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार के बच्चे कहां जाएं। और बच्चियां, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 3 ही कन्या पाठशाला हैं, पिछले 20 वर्षों से कोई नई कन्या पाठशाला रीवा शहर के अंदर नहीं खुली, विकास की बहुत सारी बातें हो गई। मैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी से अपनी बच्चियों की तरफ से, अपने उनके परिवार की तरफ से मैं चरण छू के निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सीलेंसी स्कूल मारतंड है। सबसे ज्यादा खराब व्यवस्था अगर कहीं है तो गवर्नमेंट नंबर 1 और गवर्नमेंट नंबर 2 की है। तो जो सीएम राइज स्कूल है, या तो गवर्नमेंट नंबर 1 या गवर्नमेंट नंबर 2 को चिन्हित किया जाए, या मार्तंड नंबर 1 को किया जाए, जबकि वहाँ पे छात्रावास भी, बालिका छात्रावास भी खुल बन रहा है और बालक छात्रावास भी है। कन्या महाविद्यालय पीके स्कूल को करने से आने वाले भविष्य में जो परेशानियाँ आने वाली हैं, कि पहली बात तो वो सीएम राइज होने के बाद को परिवर्तित हो जाएगा, मतलब भाई और बहन, बच्चे और बच्चियां दोनों पढ़ेंगे, तो 50-50% का जब मूल्यांकन हो जाएगा, तो अगर अभी 1000 बच्चियां वहां पढ़ रही है तो 500 बॉयज आएंगे, 500 गर्ल्स आएंगी, तब वो बच्चियां कहां जाएंगी। रीवा का जो आभा मंडल रहा है, रीवा का जो रहा है कि जल्दी रीवा में मध्यम हो या बड़े घर के हों या गरीब परिवार के हों, उनकी यह कोशिश रहती है कि हमारी बच्चियां को स्कूल में एडमिशन ना लें, कन्या एसके स्कूल में ले लें, पालनटोला हो, जहाँ बच्चियां ही पढ़ती हों वहाँ, जहाँ बच्चे ना पढ़ते। ये रीवा का एक पुराना कल्चर रहा है, पुराना एक विश्वास रहा है, जल्दी एक परिवार का एक प्रयास रहता है एक्सीलेंसी होना, और एक्सीलेंसी होने के बाद जो फीस की बढ़ोतरी होती है, सीएम राइज स्कूल खुल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, फीस की डबल वृद्धि हो जाएगी, फिर कुछ सालों बाद उसमें परसेंटेज बेस से एडमिशन होने लगेंगे, ये सब चीजें लगातार प्रक्रिया में ये होंगी। तो मैं आप सबके बीच में दोबारा विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी, उम्र में मुझसे बड़े भी हैं, मैं रीवा की बच्चियों और उनके परिवार
और अपने रीवा शहर के वासियों के तरफ से चरण छू के निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया कर गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 या 2 या मार्टन एक्सलेंसी को सीएम राइस स्कूल बनाया जाए, पीके पाठशाला को विनम्रता पूर्वक उसे छोड़ दिया जाए, जिससे हमारे गरीब परिवार मध्यम वर्ग परिवार की बच्चियों को तकलीफ नहीं आए।